फिरोजाबाद के पालीवाल हॉल में आज शहरी एवं ग्रामीण सेक्शन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जल संरक्षण आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से गौरव चौहान, राष्ट्रीय कवि यश भारतीय, धर्मेंद्र सिंह यादव प्रमुख रूप से मौजूद रहे। फिरोजाबाद से अमित पारसा की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। सारी बाधाओं को अपने ऊपर झेलते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे मत में कैसे है हिंदुस्तान की बेटी, इन्हें मासूम और आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संख्या का आखिरी यह लेकिन इस कार्यक्रम में बैठने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर का कार्यक्रम है, इतना मैं सोच कर नहीं आया था कि मैं इतने बड़े कार्यक्रम में जा रहा हूँ। हमारे यहाँ विद्यार्थी जो मौजूद है, जो बस यही कि लगे रहिए और जिस क्षेत्र में आप काम करें उस क्षेत्र के हीरो बने। अगर आप खेल में जा रहे हैं तो वहाँ मास्टरशिप हासिल करें, अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट है आपका, पढ़ाई में मास्टरशिप करें। आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, तमाम क्षेत्र हैं प्रतिमाओं के। आप जिस क्षेत्र को चुने उस क्षेत्र में जी जान से जुड़ जाएं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं भी बहुत छोटे से गांव का रहने वाला था और ऐसी प्रतियोगिता में भाग ले लेकर मेरा उत्साह बढ़ा और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं देश के बड़े चैनलों पर पिछले 2 साल से मैं आ रहा हूँ। मैंने कभी सपना नहीं देखा था, लेकिन सपने तभी पूरे होते हैं जब आप सपनों पर काम करते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि संदर्भ है वो ये है कि हमारी एक सामाजिक संस्था शहरी ग्रामीण शिक्षण वेलफेयर सोसाइटी समाज में से ज्वलंत मुद्दों पे कुछ न कुछ नए आयोजन कराती रहती है। हमने अप्रैल में एक जल संरक्षण आधारित जीके प्रतियोगिता कराई थी। वो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का जो मुख्य फोकस था, केंद्र था, वो जल संरक्षण था। से लगभग 1800 बच्चों ने परीक्षा दी थी। उसके सफल छात्रों के सम्मान समारोह के लिए ये पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रखा गया है और उसमें हम जल चेतना पर कुछ बच्चों को समझा पाएँ, कुछ बचा पाएँ, जिससे कि बच्चे अपने आसपास में पानी का कहीं ना कहीं जो अतिरिक्त दोहन हो रहा है उसको बचाने के घर से प्रयास कर पाएँ के लिए ये आयोजन रखा गया है। ये प्रोग्राम है और भी कहीं नहीं प्रोग्राम तो चूँकि एग्ज़ाम बहुत सारी जगह हुई थी, टूंडला, फिरोजाबाद, लेकिन अब चूँकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात है तो वो अन्यत्र के स्थान पर संभव नहीं है, इसलिए सभी शहर के अड़ोस पड़ोस के जितने भी शहर हैं, टूंडला और सरसागंज वगैरह से जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करे थे इस एग्जामिनेशन में, उन सभी को पुरस्कार वितरण के लिए केवल यहाँ फिरोजाबाद में पालीवाल ऑडिटोरियम में बुलाया गया है, जहाँ पे जल को बचाने के बहुत सारे बिंदुओं पर गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। लगभग कितने बच्चों को पुरस्कार दिया गया है? हम लोगों के प्रतियोगिता में जो 1800 बच्चे बैठे थे उसमें से